दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, इंटेक कोटा के बारे में भी काफी रेलवे बोर्ड से लेकर यूनियन तक काफी चर्चा में चल रहा है। तो ये इंटेक कोटा क्या है, देखिए 10% इंटेक कोटा पहले आप लोग को मिल रही थी, जिसको बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। तो इंटेक कोटा आप लोग फॉर्म निकला होगा तो आप लोग को पता ही होगा, उसमें 38 साल एज जो है कर दिया गया है, यानी कि 38 साल एज आपकी होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, तब जो है आप जो है एक दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में आपको 1800 से 1900 ग्रेड में रखा जाएगा, क्या बताइए आपको क्या फायदा हो रहा है, यानी कि घुमा फिरा के बात वही क्या फायदा हो रहा है, यानी आप ट्रैकमैन है, आपको जो है LDC दे नहीं रहे है, LDC की जगह आपको इंटेक कोटा 10 से 20%। दरअसल ये बात क्यों हो रही है, अभी क्यों हो रही है, देखिए मार्च अप्रैल में लगभग यूनियन के चुनाव होगी और यूनियन अपने चुनाव की फायदा ट्रैकमैन, यहाँ देखिए दरअसल 3 लाख के आसपास ट्रैकमैन है रेलवे बोर्ड में, तो इसका वोट लेने के लिए वो 10 से 20% की बात बोल रहे हैं। बताइए यूनियन से आप दरअसल ये बात पूछिए कि हमें LDC क्यों नहीं दिया जा रहा है, LDC की जगह आप इंटेक कोटा डाल के बेवकूफ क्यों बना रहे हैं। दरअसल देखिए मैं ये बात अभी क्यों बोल रहा हूं, आप लोग का वीडियो क्यों बनाना पड़ा, देखिए एक News 18 का लेख छापा है जो 19 तारीख का लेख है, तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे जो देख रहे हैं आप लोग, रेलवे बोर्ड की तरफ से संबंधित विभाग के प्रमुख को कहा गया है कि गैंगमैन ट्रैक मेंटेनर सैनिक के लिए भरे जा रहे अन्य विभाग रिक्त पद 10% के मौजूदा प्रतिशत को बढ़ाकर 20% करने की नीतिगत दिशा निर्देश तैयार करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करें, यानी कि रेलवे बोर्ड ने कहा है 10 से 20% पर। और दरअसल आगे पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे की रीढ़ कहे जाने वाले, ये तो कोई कताहल बात भी नहीं है, भारतीय रेलवे की रीढ़ तो ट्रैक में सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन उसको कुछ बेनिफिट देने के लिए तो है नहीं, रेलवे बोर्ड को सिर्फ कहा जाता है। थोड़ा सुनील लोहानी जब था तो आप लोग को पता ही होगा, वो LDC देने की बात बोला था, यूनियन ने रोक लिया, और आप लोग को पता होगा उसने ये भी बोला था कि जो ओपन से एग्जाम होगा, यानी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, डायरेक्ट ट्रैकमैन में भरा जाएगा और ट्रैकमैन से स्थानांतरित करके दूसरा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। बताइए कैसा हुआ, यहां तक रिस्क अलाउंस की बात देखिए, रिस्क अलाउंस ट्रैकमैन को 4100 बोल दिया था और 5451 की बात भी बोला था, तो वो भी लागू तो हुआ नहीं, आप लोग को मात्र 2700 रुपए हार्ड अलाउंस मिला जा रहा, जबकि आप लोगों को 30% हार्ड अलाउंस मिलना था, तो वो भी तो मिला नहीं। अब देखिए दरअसल ये क्या बोला, 10 दिन के भीतर जो है वो मांग किया है, यानी कि IRM पर अवधान में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है, रेलवे बोर्ड की तरफ से संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी राय 10 दिनों के भीतर दे दे ताकि मामले में अंतिम निर्णय लिया जा सके, यानी 10 दिन के अंदर जो है ये जो है निर्देश मांगा है, तो आप लोग को पता होगा 10 दिन के अंदर आप लोग भी क्या दीजिएगा, तो आप लोग सोच लीजिए आपको इंटेक कोटा चाहिए या LDC चाहिए। और दूसरा लेख में देखिए क्या लिखा है, किसमें देखिए कि इन्हें स्नातक विभागीय प्रतियोगी परीक्षा GTC के माध्यम से अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिए इंजीनियरिंग अन्य विभाग के परामर्श से महानिदेशक मानव संसाधन द्वारा उपयुक्त नीति दिशा निर्देश को तैयार और अंतिम रूप दिया जाएगा। दरअसल बताइए आप लोग को पता होगा कि जनरल डिपार्टमेंट जो कोटा होता है GDCE, उसमें तो सभी डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं, तो उसमें ट्रैकमैन का क्या फायदा होगा, आप भी बताइए, इसमें तो सभी डिपार्टमेंट वाले को फायदा होगा। दरअसल LDC क्यों नहीं ओपन किया जा रहा है, एक बात है आपके साथ समानता का हनन हो रही है पूरी तरह से, आप एक ही एग्जाम क्वालिफाई करके आ रहे हैं, एक लोग तो गाड़ी ड्राइवर बन जा रहा है, आप जो है वही पत्थर छोड़ते रह जा रहे हैं, तो कुछ मित्रों को मेरे बात से तकलीफ भी होती होगी दूसरा डिपार्टमेंट, लेकिन वास्तव में ट्रैकमैन को काफी प्रताड़ना किया जा रहा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ब्रांच वर्सा ट्रैफिक कमर्शियल डिपार्टमेंट 10% वैकेंसी को लेकर प्रावधान है। अब क्या इसमें 10%, आप तो आप लोग खुद सोच लीजिए आपको क्या इंटेक कोटा में फायदा होगा। और यहाँ देखिए ये खास यहाँ पूरी तौर से लिख दिया है कि हर साल रेलवे ट्रैक की रक्षा करते समय 500 से ज्यादा गैंगमैन की जान चली जाती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दरअसल News 18 आप लोग को पता होगा इलेक्ट्रिक मीडिया है, ये लिखा हुआ है 500 से ज्यादा गैंगमैन की जान चली जाती है, औसतन हर साल 525 गैंगमैन ट्रैक मेंटेन अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए चलती ट्रेनों के बीच आकर अपनी जान गंवा देता है। तो आप लोग इतने शहादत देते हैं तो फिर आप लोग सोचिए इंटेक कोटा में आपको क्या बेनिफिट मिलेगी, और इंटेक कोटा भी ले और उसके बाद LDC की मांग आप लोग करें, क्योंकि मार्च अप्रैल में लगभग यूनियन के चुनाव होगी, अपना यूनियन अपना चुनाव के फायदा पहुंचाने के लिए आपको जो है बेवकूफ बनाने के लिए सोच रहा है। फेवर में वीडियो हो तो अपने ट्रैकमेंट दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि मैं JEE का वीडियो बनाता हूँ, इसलिए सोचा कि इसमें भी वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। चलिए आप जैसा सोचिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद।